हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। में आपका दोस्त और चैनल का होस्ट प्रांत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ मैं कि GTA 4 जो गेम है वो iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर क्या रिलीज़ होगा फ्यूचर के अंदर। और दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो रीमेक और रीमास्टर्ड वर्जन होते हैं तो क्या GTA 4 का भी फ्यूचर में रॉकस्टार गेम्स रीमेक वर्जन बनाएगा क्या, आपको फुल डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। एक तरीके से पूरा के पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, बहुत ज़्यादा कमाल का है। इस पर से पूरा एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना, जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे एंड्रॉइड और पीसी गेम की वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी यार फायदे में जरूर से रहोगे। एक दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो के लाइक्स और डिसलाइक देखने के, इस पर कितने लाइक्स और कितने डिसलाइक है तो मेरे को व्हाट्सएप पूछ लेना, वहाँ पे आपको बता दूंगा। और व्हाट्सएप भी अगर आप लोग आओगे ना तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता रहता है, क्योंकि आपके जो डाउट्स होते हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हो और मेरे को जितना टाइम मिलता है इतना जल्दी पॉसिबल होता है मैं आपके डाउट देखकर उसको फिक्स कर देता हूँ, जिसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन होती नहीं है। इस वजह से व्हाट्सएप भी अगर आप लोग आ रहे हो तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपको डेडिकेटेड फुल डिटेल्स बताने जा रहा हूँ GTA 4 के बारे में। तो अब वीडियो को एकदम ध्यान से आप लोग देखें। तो दोस्तों, वैसे तो हम सभी लोगों ने यार GTA 4 गेम को PC कंसोल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हुआ है। इवन आज भी लोग यहाँ पे जो है उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास में कंसोल है PC और जिनके इसमें वो गेम चलता है एकदम अच्छी तरीके से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब जो है ना थोड़ा सा टाइम चेंज हो चुका है, अब रीमास्टर्ड वर्जन आ रहे हैं। आप सभी को पता है ट्रायलॉजी आ रहा है यहाँ पे रॉकस्टार की तरफ से, और जितने भी ओल्ड गेम्स थे GTA के, जैसे GTA 5 हो गया और भी रेड डेड रिडेम्पशन हो गया, रॉकस्टार जो है उनको एनहेंस्ड वर्जन के अंदर जो है वो इम्प्रूव करते चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात निकल करके आती है GTA 4 की। तो पहले तो मैं आपको दोस्तों क्लियर कर दूँ कि ये जो अपना GTA 4 है ना, ये iOS और एंड्रॉयड में रिलीज़ होगा क्या फ्यूचर के अंदर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये गेम नॉर्मल वर्जन के अंदर तो रिलीज़ होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, फ्यूचर के अंदर भी iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। 2025 के बाद ही दोस्तों आप लोग उम्मीद करना कि ये जो गेम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों, इतना ज़्यादा लंबा टाइम के बाद में मैं आप लोग को इस वजह से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जो है ना यार मेरे को ये बताते टाइम पर भी आप मतलब मेरे को हंसने को आ जाता है, क्योंकि यार ये मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है, अभी मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, ठीक है, तो आप खुद ही समझ सकते हो। तो इसी वजह से 2025 से पहले ये नहीं आएगा, क्योंकि देखो ट्रायलॉजी अभी आ रहा है, अभी उसके बाद में GTA 6 आने वाला है, फिर GTA 5 में इम्प्रूवमेंट्स होंगे, उसके बाद में रेड डेड रिडेम्पशन 2, GTA ऑनलाइन, इन सभी में इम्प्रूवमेंट्स होने के बाद में और एट द एंड 2025 आ जाएगा, उसके बाद जाकर के दोस्तों रॉकस्टार गेम्स आते फ्री होंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर नया गेम यहाँ पे बचता है GTA 4, तो शायद उसका नॉर्मल वर्जन अपने को iOS और एंड्रॉयड में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तो रहेगी रहेगी, मोबाइल काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाकेदार हो जाएंगे, अभी भी है लेकिन वो टाइम के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। इसी वजह से एक पॉइंट यहाँ पे अपना ये भी निकलता है इसी वजह से। दूसरी चीज़, रॉकस्टार गेम्स फ्री रहेगा तो यहाँ पे जो ओल्ड गेम है GTA 4 ही बचता है आखिरी खाली, तो उसी को वो लोग जो है वो फिर रीमेक करने का भी यहाँ पे सोच सकते हैं। तो इस वजह से देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पे 50-50 है, हो सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है। हम ऐसा एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते अभी कि भाई नहीं होगा या फिर 100% हो गई, अभी सिर्फ हमें 50-50 पकड़ करके चलना पड़ेगा दोस्तों कि बन सकता है इसका रीमेक वर्जन या तो फिर नहीं भी बन सकता है। और अगर बनता है तो दोस्तों देखो डेफिनेटली गेम काफ़ी कमाल का होगा, क्योंकि GTA 4 अभी जो है उसमें जो है ना दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, वो है कलर्स की। कलर की कमी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है यहाँ पे दोस्तों शिकायत करी है GTA 4 के फोरम्स के अंदर जाकर के और रॉकस्टार गेम्स के जो है वो कंप्लेंट वगैरह के ऊपर भी, तो यही दोस्तों एक कमी है गेम के अंदर। प्लस यहाँ पे जो है वो नए कैरेक्टर्स या फिर नया जो है वो आज के लेवल का अगर इसमें ग्राफिक्स ऐड करके गेम को वापस से जो है वो डेफिनेटिव एडिशन के अंदर GTA 4 अगर रॉकस्टार गेम्स बनाता है तो दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा कमाल की बात यहाँ पे हो सकती है और उनसे उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। इस वजह से ये काम अपने को 2025 या तो फिर मोस्टली 3 या 4 साल के बाद ही यार जो है ना देखने के लिए मिलेगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे सर्च भी करते थे कि भाई GTA 4 कब आएगा, इसका रीमेक बनेगा क्या, तो मैंने सोचा चलो एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बस मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आई होप आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अभी रिलैक्स करो एकदम, GTA ट्रायलॉजी आ रहा है उसको एंजॉय करो, और जो है रॉकस्टार गेम्स काफ़ी काम का भी करने वाला है, GTA 6 भी आने वाला है, तो फ्यूचर में देखो बहुत कुछ होने वाला है। GTA 4 की चिंता आप लोग मत ही करो,
तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जल्दी से कर दो लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।